और ये तो भगवद गीता में भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ेगा तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे और पापियों का विनाश करेंगे, जिसका प्रमाण है नरसिंह, राम और श्री कृष्ण का वह अवतार जिन्होंने समय समय पर अधर्म पर धर्म की विजय करवाई है। और ठीक वैसे ही जब कलयुग का अंत आ जाएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे और भगवान कल्कि के शिशु रूप के दर्शन के लिए स्वयं परशुराम, कृपाचार्य वेद व्यास और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक के वेश में आएंगे। भगवान कल्कि के तीन भाई होंगे जो उनके जन्म के पहले जन्म ले चुके होंगे। भगवान कल्कि की दो पत्नियां होंगी, पहली लक्ष्मी स्वरूप पद्मा और दूसरी पत्नी वैष्णवी शक्ति रूपा रमा होंगी, क्योंकि भगवान राम के अवतार के समय देवी वैष्णवी ने भगवान से विवाह करने के लिए काफी तपस्या की थी और श्री राम ने कलयुग में उनको पत्नी बनाने का वरदान दिया था। कल्कि अवतार के चार पुत्र भी होंगे जो जय, विजय, मेघवाल और बलाहक होंगे। बताया जाता है कि भगवान कल्कि का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त होगा। वो घोड़े पर सवार होकर पापियों को अंत करेंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि भक्तों को सही राह पर चलने का ज्ञान देंगे और धर्म के नाम पर हर जगह फैले पाखंड को खत्म करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाली कल्कि जयंती पर बेहद शुभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योग में भगवान विष्णु की आराधना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आपका कल्कि अवतार के सहयोगी और श्री कृष्ण के शत्रु के बारे में क्या कहना है, नीचे कॉमेंट करके जरूर